हेलो एवरीवन, 7 मंथ आपके दोनों बेबी ने नियमित सोना और जागना भी शुरू कर दिया है। ट्विंस बेबी अब REM नींद का भी अनुभव करते हैं। इसका मतलब होता है कि वे पहले से ही सपना देख रहे होंगे। और तीसरी तिमाही के इस टाइम तक आपके दोनों बच्चों के सुनने की शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि वे गर्भावस्था के दौरान ही आपकी आवाज सीख चुके होते हैं। इससे उन्हें जन्म के बाद आपके प्रति अपनेपन की भावना महसूस करने में हेल्प मिलती है। और इस समय दोनों बेबी किसी भी समय उल्टे होकर अपने बाहर आने की तैयारी करेंगे। और आपके डॉक्टर इस समय यह भी चेक कर सकते हैं कि आपके दोनों बेबी ने सर नीचे किया या फिर नहीं। और आपके बच्चों के चारों ओर जो एमनियोटिक द्रव होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गर्भावस्था के अंत तक आपके दोनों बच्चे गर्भाशय में अधिकांश जगह घेर लेंगे और बहुत ही कम एमनियोटिक द्रव छोड़ेंगे। और जैसे जैसे आपकी ट्विन प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, आपको हलचल बहुत ही अलग तरीके से महसूस हो सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ते टाइम पर आपके दोनों बेबी को गर्भाशय में घूमने फिरने के लिए जगह मिलना कम हो जाएगी। आपको लात मारना और कलाबाजी कम, आपको हिलना डुलना और छटपटाहट ज्यादा महसूस हो सकती है। सर्फेक्टेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि फेफड़ों को फुलाए रखता है। एक बार जब सर्फेक्टेंट डेवलप हो जाता है तो आपके शिशुओं को गर्भ के बाहर जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और सर्फेक्टेंट का जो उत्पादन है वो इस बीक्स को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि यह शिशुओं के सांस लेने और गर्भ के बाहर जीवित रहने में सक्षम होने का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि किसी भी कारणवश आपके ट्विंस बेबी का जन्म 28 वीक्स में होता है तो उन्हें अभी भी बहुत ज्यादा चिकित्सा देखभाल की जरूरत होगी और इसके साथ ही उन्हें कुछ टाइम NICU में भी बिताना होगा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में उनके जीवित रहने की बेहतर संभावना होगी। आपके ट्विंस बेबी के जो फेफड़े होते हैं वो अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन हर हफ्ते धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जो नाल होती है, जो कि आपके बच्चों को जीवित रखने के लिए सभी तरह के पोषण और पदार्थ प्रदान करती है, वो भी बच्चों के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही है और यह अपने आप में 1 किलोग्राम जितना भारी होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।